सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से अध्याय 9 पढ़ा था और समझा था। आज हम लोग उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए देखते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कहते हैं, समय की गति बड़ी निराली होती है, पल भर में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए आज के समय में हमारे लिए पैसे और धन कितना कीमती है ये सभी जानते हैं। इसीलिए हमें अपने उज्जवल भविष्य को बचाए रखने के लिए हमें धन का संचय करना चाहिए, हमें फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग कविता से प्रश्न और उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कविता से। प्रश्न है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता आदर्श पड़ोस से शुरू होती है। कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। हाँ, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था। इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद यह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तन कभी को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। अगला प्रश्न है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तर डर के रूप में। अगला प्रश्न है, तरह तरह की भावनाएं, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? छटपटाहट, आधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में, अभी काफ़ी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। अच्छा, किसी को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई अब पढ़ाना बंद करें पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। इनसे कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? छटपटाहट तब महसूस होती है जब हम अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाते। ऊपर छटपटाहट के 3 अर्थ या संदर्भ दिए हुए, इनमें से संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है। रतन इशारों में अपनी बात अपने साथ खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, परंतु बच्चे उसके इशारों को नहीं समझ पाते। इस पर वह छटपटाहट महसूस करता है। घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हों या अकेले हों, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। अगला प्रश्न है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? उत्तर, लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, कहीं कोई बेवजह डांटने ना लगे, कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाने ना लगे, आदि बातों का डर रहता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। दोस्त सहेली का नाम किस बात से घबराता है, घबराने का कारण? आप अपने दोस्तों का भी नाम लिख सकते हैं। अमर अकेलेपन से घबराता है, अकेला पाकर कोई उसे पकड़ ना ले। सुगंधा अंधेरे से घबराती है, क्यों? कहीं बिल्ली ना आ जाए। अगला प्रश्न है, भाषा के रंग। पहला प्रश्न है, कवि ने इस बच्चे
को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। गाड़ी पहिया निकल जाने पर नहीं चल पाती। नतीजा क्या होता कि नहीं चल पाती। गुड़िया सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती। गेंद हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती। जोकर चाबी निकल जाने पर हंसा नहीं पाता। दे और वस को जोड़कर बना है। यह एक अर्थ बिना है। नीचे दिए शब्दों में यही वे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो। बेजान बेचैन तो बेसहारा और बेहिसाब। तो बे शब्द जोड़कर जैसे बेवजह बेशरम बेघर बेहतरीन बेईमान और बेताब आदि सब ऐसे जोड़कर हम और नए शब्द बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देखने के तरीके से। पहला प्रश्न है इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं जैसे छह शब्द छांट कर लिखो। अदृश्य देखने में इशारे निहारती आँखों में झलकते। ये मैंने शब्द छांट कर लिखे हैं। हमारा अगला प्रश्न है माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं। वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचान पाते हो पहचानते हो जैसे सहमी नज़रें प्यार भरी नज़रें क्रोध भरी आंखें उनीदी आंखें शरारती आंखें और डरावनी आंखें। उत्तर मैं इन नज़रों को पहचानता हूँ जैसे प्यार भरी नज़रें क्रोध भरी आंखें और शरारती आंखें और डरावनी आंखें। अगला प्रश्न है नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे। आंख दिखाना नज़र चुराना आंख का तारा नजरें फेर लेना आंख का पर्दा पड़ना। उत्तर आंख दिखाना बच्चा जब जिद पर अड़ गया तो माँ ने आंखें दिखाई डराने के अर्थ में। नज़र चुराना झूठ बोलना। बोलकर वह निकल तो गया लेकिन उसके बाद मुझसे नज़रें चुराने लगा। किसी की नज़र से ओझल होने की कोशिश करना। आँख का तारा रतन अपनी माँ की आँखों का तारा था प्यारा था यानी कि माँ उसको बहुत प्यार करती थी। उसने नज़रें फेर ली बदल गया। बेटे की गलती नज़र नहीं आती। उनकी नज़रों पर जैसे पर्दा पड़ा हुआ हो उनको दिखाई नहीं देता है। माँ याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती है। रतन की माँ की आंखों में अपने बेटे को बोल सकने में असमर्थ देखकर बेबसी झलकती है। हमारा अगला प्रश्न है अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। यह प्रश्न आपको अपने आप करना है। कैसे करना है आप लोग जानिए। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं अच्छे अंकों से परीक्षा के में पास होता हूँ। आपको इसमें लिखना है कि आपकी माँ बहुत जब कब खुश होती है जब आप अच्छे अंकों से परीक्षा में पास होते हैं। माँ मुझे इसलिए डांटते हैं क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा वह गलती ना करूं। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक नेक और सच्चा इंसान बने। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं कभी बीमार पड़ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की आयु लंबी और स्वस्थ हो। आपको इन वाक्यों को पूरा करना है कि आपको अपने माँ के साथ में क्या करना है। मैंने यहाँ पे वैसे लिख रखा है क्योंकि आपकी किताब में कुछ अधूरा लिखा हुआ है इसे मैंने पूरा किया है अपने हिसाब से। आपको क्या अच्छा लगता है वो आप अपने माँ के हिसाब से पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।